प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल डियर प्लेसेस विद आरिफ पर स्वागत है। आज मैं अकबर के मकबरे के पास हूं, जो कि 5 मंजिला बना हुआ है। इसमें संगमरमर की 4 मीनारें हैं। इस मकबरे का जो निर्माण हुआ था लगभग 15 लाख रुपए से हुआ था। जहांगीर ने इसमें बहुत सारा काम कराया था, उन्हीं के समय में ये पूरा हुआ था। तो मैंने सोचा कि ये खूबसूरत इमारत है तो यहाँ आकर के जो है शूटिंग की जाए। तो इससे पहले कि मैं आपको इसका नज़ारा दिखाऊं, तो मेरे जो चैनल का मकसद है वो है इन्फॉर्मेशन देना, लोगों को खूबसूरती दिखाना, और जो हमारे समाज के अंदर लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं तो वो उसको करीब करना, आपस में प्यार को बढ़ाना, लोगों की मदद करने के जज्बे को उभारना। क्योंकि सोसाइटी जो तभी कोई सोसाइटी आगे बढ़ती है जब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो फिर अच्छा लगता है। तो चैनल जो होता है वो उसका मकसद जो है वो सिर्फ खूबसूरती दिखाना ही नहीं है, बल्कि किसी भी चैनल का जो मकसद होना चाहिए वो होना चाहिए कि समाज के अंदर बेहतरी भी पैदा हो, आपस में प्यार पैदा हो, और इन्फॉर्मेशन को जो है वो प्रोवाइड किया जाए। तो ये देखिए, ये एक मकबरा जो बना हुआ, ये 1.5 मील के इलाके में है, इसकी परिधि में बना हुआ है ये। तो मैं दिखाता हूँ, क्योंकि ये बाग बगीचे के अंदर बना हुआ है ये, जिसके चारों तरफ दीवार है। आगरा में सिकंदरा के पास ये मकबरा है। तो देखिए, मैं आपको इसके जो बगीचे का पोर्शन है, फिर इसका जो मुख्य गेट है वो दिखाऊंगा। तो देखिए, मैं आपको इसका बगीचा दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये देखिए, ये सिकंदरा में जो है वो ये बगीचे का पोर्शन है, यानी अकबर का जो मकबरा है उसमें। ये देखिए, पूरे बगीचे की व्यवस्था जो है वो की गई है, और पेड़ लगे हुए हैं। देखिए, ये पेड़ है, कितना खूबसूरत दिख रहा है। और ये एक बिज़ी रोड है यहाँ पर सामने, तो आवाज़ आपको गाड़ियों की आएगी। देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत खूबसूरत ये मकबरा यहाँ से लग रहा है। इसका जो ये 4 इसमें प्रवेश द्वार हैं, इसका जो दक्षिणी प्रवेश द्वार है वो अभी खुला हुआ है। तो देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ये इसकी मीनारें देखिए, ये संगमरमर की मीनारें हैं, कितनी खूबसूरत हैं। बलुआ पत्थर का भी इस्तेमाल किया गया है। तो ये बहुत ही अच्छा मकबरा है, ये 5 मंजिला है। तो मैं अभी अंदर चलूँगा, तो देखिए मैं आपको ये दिखाता हूँ, थोड़ा ज़ूम करता हूँ। देखिए, ये इसमें नक्काशी देखिए जो की गई है, देखिए कितनी खूबसूरती के साथ जो है ये नक्काशी की गई है। ये देखिए आप, डिज़ाइन जो है बनाई गई है। देखिए, आकृतियाँ जो है अलग अलग प्रकार की हैं। जालियों की व्यवस्था भी देखिए, अभी मैं आगे चलूँगा तो आपको दिखाऊँगा। यहाँ अभी बहुत भारी भीड़ तो नहीं है, लेकिन लोग आए हुए हैं यहाँ पर। देखिए, मैं थोड़ा सा बैक करता हूँ, तो अभी देखिए मैं आगे चलता हूँ, तो इसको थोड़ा सा मैं पॉज करके आपको इसके अलग अलग हिस्से दिखाऊंगा। तो देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा और आगे आ गया हूँ इसके गेट के पास। तो इसका आप देखिए नज़ारा, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। मैं कोशिश करता हूँ इसकी मीनारों को दिखाया जाए आपको, थोड़ा सा क्लोज करके। देखिए, ये देखिए आप, ये देखिए मीनारें जो हैं ये संगमरमर की हैं ये, और कितनी खूबसूरत देखिए लग रही हैं ये। ये देखिए, तो मैं इसके अलग अलग हिस्से जो हैं वो आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, तो ये बहुत खूबसूरत दिखता है सामने से। ये देखिए, अभी मैं इसके और करीब जो है वो चलूँगा। तो देखिए, ये देखिए आप, डिज़ाइन जो है ये मीनार है, इसकी 4 मीनारें हैं इसमें, ये बहुत खूबसूरत बनी हुई हैं। देखिए आप, कोशिश करता हूँ देखिए और इसको करीब लाने की। ये देखिए, बहुत खूबसूरती जो है वो नज़र आती है। तो देखिए, मैं फिर और आगे चलता हूँ। देखिए, मैं इधर से आपको जो है वो बगीचे का पोर्शन दिखा रहा हूँ। देखिए, ये चारों तरफ चार दीवारी से, मतलब दीवार चारों तरफ इसकी ये दीवारों से घिरा हुआ है, चार दीवारी है ये, और बगल में सड़क है, तो ट्रैफिक यहाँ पर हर वक्त चलता रहता है। बिज़ी रोड है ये, देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये काफ़ी हरियाली से देखिए, यहाँ पर आप, यहाँ पे आपको फूल भी जो हैं वो नज़र आएंगे। ये देखिए, तो मैं देखिए फिर आगे चलता हूँ। तो देखिए, मैं इसके और करीब आ गया हूँ, और मैं आपको जालियाँ भी दिखाऊँगा। और देखिए, इसको मैं ज़ूम कर रहा हूँ हल्के से। तो देखिए, आपको इसका निचला हिस्सा पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कि कितना जो है ये खूबसूरती इससे कितनी जाहिर हो रही है। देखिए,
कलर इसका देखिए अलग अलग, जिसके डिज़ाइन आप देखिए गौर से, इसीलिए मैंने कैमरा जो है वो थोड़ा सा रोका हुआ है। देखिए आप देख रहे हैं टाइल्स जो, मतलब इसको संगमरमर का जो इसको जड़ने का जो अंदाज़ है, नक्काशी का जो अंदाज़ है वो बहुत ही प्यारा है। और 4 से 5 साल में ये मकबरा जो है बन करके तैयार हुआ था। ये देखिए इसमें जो नक्काशी की गई है अलग अलग, और फिर इसके ऊपर आपको मीनार जो है वो दिखाई पड़ेगी। देखिए तो बहुत अच्छा लगता है सामने से। मैं कोशिश करूँगा इसके जो भी अलग अलग खूबसूरती के पहलू हैं वो आपके सामने लाए जाएं। तो ये देखिए डिज़ाइन, ये देखिए कितनी खूबसूरत जो है डिज़ाइन है ये। तो बलुआ पत्थर भी है और संगमरमर भी है, उसमें जो है इसको डिज़ाइन किया गया है अलग अलग अंदाज से। तो देखिए मैं आपको जालियाँ भी जो है इसके अंदर की वो भी जो है देखिए, अगर कोशिश करता हूँ जूम करने की तो आपको यहीं से जाली भी मैं दिखाता हूँ। ये देखिए जाली जो है, ये कितनी खूबसूरत जाली देखिए लग रही है। अब इसके और करीब मैं चलूँगा। देखिए मैं आपको जालियाँ जो हैं वो करीब से दिखाता हूँ। तो देखिए गिलहरी भी आपको दिखेगी। देखिए जालियाँ कितनी बारीक हैं इसकी जालियाँ, ये देखिए। तो मेरी कोशिश रहेगी कि इसका कोई पोर्शन जो है आपसे छूटे नहीं, क्योंकि ये बड़ा मकबरा है ये। देखिए दिखाता हूँ, ये जालियाँ हैं, ये दीवार से सटी हुई मकबरे का जो मेन गेट है उससे सटी हुई जालियाँ हैं ये। देखिए कितनी खूबसूरत ये जालियाँ लग रही हैं। मैं देखिए पास चलता हूँ, ये देखिए एक लाइन में ये जालियाँ हैं ये। अब देखिए जाली के एकदम मैं पास आ गया हूँ, तो देखिए आपको दिखा रहा हूँ, देख रहे हैं ये देखिए, ये देखिए एकदम करीब मैंने जो कैमरे को कर दिया है ताकि आप देख सकें ये कितना बारीक काम है और किस तरह से इसको तराशा गया होगा पत्थर को। तो ये कारीगरों की कुशलता का प्रमाण है ये। देखिए तो बहुत खूबसूरत लगता है ये मकबरा जो है। तो देखिए ये सेक्शन है, ये गेट के पास ही है ये सेक्शन। देखिए मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, और मैं थोड़ा सा बैक करता हूँ कैमरे को। ये देखिए ये इसका सेक्शन है ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए मैं आगे चल, ये देखिए ये गेट का निचला हिस्सा है, ये उसका कलर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये संगमरमर का बना हुआ, देखिए ये कितने खूबसूरत जो है ये, इसको मतलब पत्थरों को तराशा गया है कितने खूबसूरत अंदाज में। तो बहुत खूबसूरती जो है वो नज़र आती है मकबरे की। यहाँ अभी लोग हैं लेकिन कम हैं, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा लोग आते हैं यहाँ पर। ये देखिए कितनी खूबसूरत डिज़ाइन है ये। देखिए मैं कोशिश करूँगा कि इसको और करीब किया जाए। ये देखिए देखिए आप, ये बहुत जो है खूबसूरत मकबरा है ये। ये देखिए, तो यहीं पे पॉज करके मैं फिर आगे चलता हूँ। देखिए ये डिज़ाइन जो है, देखिए इतनी खूबसूरत लग रही है। और मैं करीब करता हूँ कैमरे को, देखिए ये देख रहे हैं ये कितना बारीक काम है और किस तरह से ये सारे पत्थर आपस में हैं जोड़े गए होंगे। सोचिए ज़रा उस ज़माने में, जबकि इतनी मशीनें नहीं थीं, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन ये कितनी खूबसूरती के साथ इस मकबरे को बनाया गया है। ये सेक्शन भी आप देखिए, मैं ये आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो गेट है इस पे आयतें जो है वो कुरान की जो है नक्श की गई हैं, तो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए जूम करूँगा थोड़ा सा, ये देखिए ये बहुत ऊंचाई में इनको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। देखिए देख रहे हैं, ये आप देखते जाइए ये जो इसको आयतों को किस तरह से पत्थर में उकेरा गया है। देखिए आप इसकी बारीकी, किस तरह से ये काम किया गया होगा ये गेट के ऊपर। देखिए आप देख रहे हैं, इसके और करीब में देखिए मैं चलता हूँ तो
अब आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं चल रहा हूँ आगे, दिखाता हूँ आपको, देखिए पास से एकदम इस तरह से जो है आयतें जो है वो जो है इनको उकेरा गया है, पत्थरों पर तराशा गया है। देखिए तो ये काफ़ी बारीक काम जो है वो किया गया है। फिर देखिए एक डिज़ाइन आपको दिखाता हूँ मैं, ये डिज़ाइन, इसकी खूबसूरती देखिए आप, ये कितनी खूबसूरत डिज़ाइन है। मैं पास चलता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। देखिए ये डिज़ाइन देखिए, देख रहे हैं आप, ये देखिए ये कितनी खूबसूरत डिज़ाइन लग रही है, बहुत अच्छा लगता है। अलग अलग तरह से जो है पत्थरों को डिज़ाइन किया गया है, अलग अलग अंदाज में डिज़ाइन में, ये देखिए आप देख रहे हैं। ये गेट के पास ही है, मेन गेट जो है इसका, ये उसी के पास का ये सेक्शन है। देखिए ये सेक्शन देखिए गेट के अंदर का, मतलब ये जो दरवाज़ा है उसके पास का हिस्सा है ये। देखिए ये डिज़ाइन देखिए आप देख रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगा इसका हर सेक्शन आपको दिखाया जाए। देखिए ये देखिए डिज़ाइन देख रहे हैं, देखिए। तो देखिए ये एक अलग तरह की डिज़ाइन आपको दिखेगी। तो ये मैं देखिए जूम करता हूँ, गेट के पास ही अभी हूँ मैं, अंदर नहीं गया हूँ। देखिए ये डिज़ाइन देखिए आप, ये मेहराब का इलाका है ये, देखिए यानी इसका पोर्शन है मेहराब का, उसमें इसको डिज़ाइन किया गया है। ये देखिए और कोशिश करूँगा करीब करूँ, ये देखिए तो ये बहुत खूबसूरती देखिए, इसमें काफ़ी बारीकी के साथ काम किया गया है। गौर से देखने में सारी चीज़ें फिर नज़र आती हैं और इससे पता चलता है कि उस वक्त के कारीगर कितने कुशल थे अपने काम में, अपनी पच्चीकारी में। देख रहे हैं ये देखिए, तो देखिए यहाँ से भी डिज़ाइन को देख लिए। तो मैं जो हूँ यहीं पर इसको रोकता हूँ वीडियो को, ताकि ये वीडियो आपके लिए बड़ा ना हो। ये आउटर जो सरफेस है यानी बाहर का जो इलाका है गेट के पास का, ये मैंने इसको आपको दिखाया है। अंदर वाला पार्ट जो है वो दूसरे पार्ट में मैं आपको दिखाऊँगा। तब तक के लिए मुझे अनुमति दिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिल सके और मेरा भी जो है उत्साह जो है बढ़े। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।